नमस्ते प्रणाम दोस्तों, मैं हूं नीलेश शाह और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल जैन स्टोरी 9। दोस्तों, आज से ठीक 2 साल हुए मैंने शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की 87,000 साल प्राचीन प्रतिमा जी के ऊपर उसके संक्षिप्त इतिहास के ऊपर एक वीडियो बनाया था, जिसे आपका बहुत प्यार मिला और करीब 3 लाख लोगों ने उस वीडियो को देखा और पसंद किया था। मित्रों, उस वीडियो में एक श्रावक का भी वीडियो मैंने बताया था, जिसमें वह बता रहे थे कि मुगलों के आक्रमण के दौरान श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की प्राचीन प्रतिमा जी को एक श्रावक ने कुएं में रख दिया था, जिस कुएं का नाम है झंड कुआ। आज मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे वीडियो के बाद आप सभी के सुझाव से झंड कुआ का जीर्णोद्धार होने जा रहा है। आसपास पत्थरों से उसकी कमान वगैरह बनवा के उसे सुशोभित किया जा रहा है। दोस्तों, हम जब झंड कुआ के दर्शन करने पहुँचे तब वहाँ पर गेट पर ताला लगा हुआ था और पूछा किसी से हमने तो चौकीदार कहीं बाहर गया हुआ था, तो हमने रास्ता खोज निकाला। बाजू में एक जो है छोटा सा एक अंदर जाने का रास्ता है दीवार के बाजू से, और वहाँ पर किसी का घर है जो बरसों से है वहाँ पर, और वहीं से हमने तालाब के रास्ते अंदर जाने का रास्ता निकाला। तो आइए हम चलते हैं झंड कुआ के दर्शन करने। तो इस तरह पीछे के रास्ते से हम झंड कुआ के समीप जा पहुँचे। दोस्तों, श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा जी 87,000 साल प्राचीन है, और उसे किसने भरवाई थी और उसके पीछे का इतिहास क्या है, यह सब जानने के लिए आपको मेरा इससे पहले का वीडियो देखना होगा। लिंक मैंने आई बटन में दी है और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उसकी लिंक दे रखी है, तो आप उसे जरूर देखिए ताकि आपको इतिहास का पता चले। आज से 2 साल पहले यानी कि हमने जो वीडियो बनाया था, श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ प्रभु यहाँ से मिले थे, वो वीडियो वायरल होने से पहले यहाँ झंड कुएं की स्थिति कुछ इस प्रकार थी। वो शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जो प्रतिमा है, वो जो मंदिर है, वो नया मंदिर है। एक्चुअल जो उसका ओरिजिनल मंदिर उसके पीछे था। कई सालों पहले
वहाँ पे मुगल्स ने वो मंदिर पे अटैक कर लिया था। कारण क्या है कि पार्श्वनाथ भगवान की मंदिर जो प्रतिमा थी वो बहुत ही चमत्कारी मूर्ति थी, तो उनको प्रतिमा चाहिए थी। तो इसके बारे में शासन देवी को मालूम पड़ा तो उन्होंने किसी श्रावक के सपने में जाके बताया कि आप इमीडिएटली वो प्रतिमा लेके जाके वहां से जाओ करके। तो एक वो श्रावक सुबह सवेरा जल्दी उठ के मंदिर में गया, मंदिर में जाके वो प्रतिमा ली। प्रतिमा उसके सिर पे ऐसे है जैसे उसका कुछ वजन ही ना हो, और प्रतिमा वो उठा के भागते 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 लगभग 1.5-2 किलोमीटर तक वहां पे आया, और वहां पे आके वो ये कुएं में कूद गया था कि उसका आगे रास्ता नहीं दिख रहा था। उसके पीछे काफी ये सोल्जर्स थे जो उसको मारने के लिए आ रहे थे, और जैसे ही वो कुएं के पास कुएं में कूद गया, ये कुआ ऑटोमेटिक गायब हो गया था। तो ये कुआ कई उसके बाद में जब सोल्जर वो सैनिक लोग चले गए, उसके बाद में वो जो श्रावक है वो बाहर आ गया, और कई सालों तक वो प्रतिमा इसी कुंड के अंदर थी, मतलब ये कुआ के अंदर थी। ये झंडू कुआ करके बोलते हैं इसको, इसके बारे में काफी लोगों को मालूम नहीं है। और इसके कई सालों में ये प्रतिमा यहाँ पे रहने के बाद वापिस यहाँ पे एक महाराज साहब जी आए थे आचार्य भगवंत, उन्होंने बताया कि इसमें यहाँ पे प्रतिमा है, इनको प्रतिमा को बाहर निकालो और मंदिर का जीर्णोद्वार करो, और फिर वही प्रतिमा जो हम लोग रोज दर्शन करते हैं, चमत्कारी प्रतिमा जो तीनों लोक में शाश्वत है, जो तीनों लोक में पूजित की हुई है, देवलोक, मनुष्य लोक और पाताल लोक, वो प्रतिमा इस कुएं के अंदर थी। तो अगर हो सकते तो सुना दोस्तों आपने, इस जंड कुएं का इतिहास कुछ इस प्रकार का रहा है। उसके बाद 16वीं शताब्दी में श्री विजय सेन सुरेश्वर जी महाराज साहब के समय में श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की इस प्रतिमा जी को कुएं से बाहर निकाला गया, और पुनः जो नया मंदिर दूसरा मंदिर बना उसमें उसकी प्रतिष्ठा हुई थी। मित्रों, हमें बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि सिर्फ झंडकुआ का ही नहीं, लेकिन वर्तमान में जहाँ पर श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर है उसके ठीक पीछे की साइड में जो पुराना मंदिर था उसका जो खंडहर था उसका भी जीर्णोद्धार इसके साथ साथ हो रहा है, और वहाँ पर भी कुछ म्यूजियम बनाने का जो है प्लानिंग चल रहा है ऐसा सुनने में आया है। बच्चे मूर्ति मुक्ति नीचे नहीं ऊपर। अच्छा, मंदिर बना से एक ऊपर मूर्ति मुक्ति। अच्छा, गेट बुक से જમીન છે તો આ બાજુ વાળા બધા મારા ઘરે ધ્યાન રાખવાની કીએ પેલા એમ ધ્યાન રાખતા પછી તારે ખબર રાખવા બેર આવે જે કુવો ખબર પડી ને કે મૂર્તિ નીકળ્યા ત્યાં ખબર પડી ઉપર પથરા બધા સીધા ના પથરા હે આનું કઈ નહીં બનાવે હજુ બનાવશે કામ લે કામ એટલે
झंड कुआ के दर्शन को जाने के लिए मुख्य मंदिर से मेन रोड पर आना पड़ेगा और वहां से 108 पार्श्वनाथ भक्ति विहार तीर्थ की तरफ आधा किलोमीटर जाकर के राधे स्क्वेयर आएगा और वहां से ठीक सामने परमार भवन करके दिखेगा, बस उसके ठीक नीचे की साइड में झंड कुआ आया हुआ है।